हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे हो गए। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पूरे बर्तनों के साथ। पंकज भैया, क्या आपके हाथ में केतली वगैरह वगैरह, और आपके हाथ में क्या? लोटा है, चम्मच है, पने हुए। अरे वाह, तो पीछे पंकज भैया और खिमेश भैया। तो खिमेश भैया का पूरा टकला हो गया। तो खिमेश भैया का जनेऊ संस्कार, तो हम लोग जा रहे हैं आज गाँव में। तो खिमेश भैया की यहाँ क्या आज दिन का भोजन है? तो इनका जनेऊ संस्कार हुआ है परसों हरिद्वार में, तो आज वहाँ पे सभी को इनवाइट कर रखा गांव में भोजन के लिए। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, और मेरे हाथ में है डब्बा। तो इसमें क्या है? इसमें है मट्ठा। और अभी हम लोग क्या करेंगे वहाँ जाके, पूरा मिल बाँट के काम करेंगे, जैसे कि हम लोग हर जगह करते हैं जब भी कोई फंक्शन होता है। तो अभी मिल बाँट के काम करेंगे और पूरा सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको भी देखने को मिलेगा। तो जब मैं वीडियो बंद करूँगा तभी मेरे दूसरा हाथ फ्री होगा। चलें, चलो जी। तुमको एक बार फिर से बधाई हो, धन्यवाद, सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो खिमेश भैया, आपको पहली बार ही हमारे ब्लॉग में दिख रहे होंगे, क्योंकि ये गांव में रहते ही नहीं है। और डीगेश भैया आपको दिख जाएंगे, जो इनके छोटे वाले भाई हैं, तो वहीं आपको घर जाकर दिखाते हैं और सभी लोगों से मिलाएंगे। फिलहाल हम खिमेश भैया की हेल्प करते हैं और वीडियो बंद करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घर बर्तन लेने के लिए। कुछ बर्तन तो हम लोग लेके आ गए थे और कुछ बर्तन बचे हुए हैं, उनको हम लोग फिर से लेके आएंगे। तो गांव में होता क्या है, एक कमेटी होती है, और कमेटी में सारे बर्तन एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो जो कमेटी के सारे बर्तन हैं वो हमारे घर में इकट्ठा हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहीं से सारे बर्तन लेके जाते हैं और लास्ट में पहुंचा देते हैं। तो अभी हम लोग घर में जा रहे हैं, थोड़े बर्तन हम लेके आ गए थे, थोड़े और बचे हैं, उन सबको लेके आते हैं। तो सारे बर्तन यहाँ पर लेके जाएंगे, उसके बाद जो भी और काम होंगे वो सारे काम करेंगे। ताई जी नमस्कार, बर्तन निकाल रहे हो? निकालो फिर, एक कढ़ाई निकालो भैया, कढ़ाई निकाल दी, और मशीन निकालो एक, मशीन पूरी बनाने वाली, और एक झांझर, और एक तौला चाहिए छोटा वाला। हाँ, तौलना चलना, यहाँ पे सारे बर्तन है अपने समिति के। हाँ, ये वाला चाहिए, वेरी गुड, इसको निकाल दो और दे दो, ये हो गया। एक कटोरदान निकालो, और छोटे वाले चम्मच और पनीर निकालो, और एक छोटी केतली लाओ, छोटी केतली है, और 15 प्लेट थाली निकालो। हाँ, ये हो गया। बुबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, ठीक छा बुबू? ठीक छो यार। बुबू तुम चिल्ली वाला जला पे मतलब हम दे देना, हम ढक्कन कौन है सब है ठुल बाण कहां जाए ढक्कन है। बुबू के लिए हमने बर्तन कौन से निकाले, तो बुबू प्लेट लेके जाएंगे वाली, इनके ढक्कन लेके जाएंगे बस। तुम इतनी ज्यादा बुबू इन हम ले आ दियो, ये ऊपर तुम सेना दिन दिया बेटा, तो हमने बुबू को भी काम दे दिया। मामा जी क्या पकड़ने वाले आप? तुम्हें ये ले जाओ बड़ा वाला सबसे। वो सयाना नहीं मिला, मैं पहले बैठा हूं हिटो। तुम सयाना नहीं मिला? अरे मेरे का 19 हिटो। हिटो पे चल भैया, बीच में खाली कहां धक्के रख रहा मैं। बुबू हमारे साथ आ नहीं रहे, बुबू बोले मैं पीछे आऊंगा। हमारे हाथ में क्या है, कढ़ाई है, और कढ़ाई में थालियां हैं, और पूरी बनाने वाली मशीन है। आगे से मामा जी और पंकज भैया लेके जा रहे हैं, और पीछे से बुबू जी आ रहे हैं। तो बुबू जी बोल रहे हैं मेरे को आगे नहीं आना है, क्योंकि बुबू बोल रहे हैं मैं बहुत स्लो स्लो आऊंगा, तुम तेज तेज जा रहे हो। तो सारे बर्तन हमारे चले गए अब लगभग लगभग, अब अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर से आ जाएंगे। वैसे सारा अरे कुछ भूल गए, क्या भूल गए? ये भूल के चले गए, एक पूजा के लिए एक बरम होता है कूस का, तो वो इनको लाना था, वो भूल गए, अब उसको लेने जा रहे दोबारा से। कूस का बरम था वो भी दिखाते हैं आपको क्या होता है करके। बरम ले आया यार, भूल गए थे, फिर उन्होंने याद दिलाई। खाना कैसे नहीं भूलते तुम? तो ये होता है बरम, जो पूरा कूस का रहता है, तो ये पूजा में काम आता है। अभी जो भी इसका यूज होगा वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। पकड़िए, आप भूल गए थे, तो पकड़ते कढ़ाई। चलो फिर चलिए, अभी कट हो रही है सब्जी, तो बुबू लोग सब्जी काट रहे हैं। यहाँ पे बुबू काट रहे हैं आलू। बुबू आप क्या काट रहे हैं, शिमला मिर्च? कुछ क्या कर रहा हूँ, शिमला भी काटनी है, हाथ भी धो रहा हूँ। अच्छा, बुबू अभी तक आलू काट रहे थे, और मैंने लौकी छिली। ताई नमस्कार। बुबू यहाँ पे टमाटर काट रहे हैं, और यहाँ पे बुबू और ताऊ जी लोग लौकी काट रहे हैं। लौकी, हेलो बेबी, नाम क्या आपका? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे लौकी कट रही है, मैंने भी तो लौकी छिली थी, और अभी बुबू लोग काट रहे हैं। बधाई हो आपको। धन्यवाद। जने हो गया आपका? हाँ। पंडित जी बधाई हो। हाँ बुबू, हाँ ताई जी बना रहा हूँ वीडियो में। ताई लकड़ी लेके आ रही है अभी। बुबू मजाक बना रहे ताई की, और बधाई हो बहुत बहुत आपको, शुभकामनाएं बहुत बहुत। चलिए मिलते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे पानी की बाल्टी लगाई थी, ये मेरे को लेके जानी है आलू के ऊपर, यानी कि आलू के ऊपर पानी डालना है, तो इसको लेके जाना है यहाँ पे।
अभी हो रही है खाने की तैयारी, तो यहाँ पे बन रही है सब्जी, अभी आपको यहाँ पे लेके जाएंगे। तो इस वाले चूल्हे पे बन रही है सब्जी, बाकी दाल चावल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे दाल रखी हुई है। अभी यहाँ पे चावल बनेगा दूसरे वाले चूल्हे पे, और जो वहाँ पे दूसरा चूल्हा लगा रखा है उससे बनेगा अमचूर। अभी फ़िलहाल तो सब्जी बन रही है, अभी वहाँ चलते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम चारा है। चारा, अच्छा अच्छा। तो अंदर यहाँ पे चल रही है पूजा, तो यहाँ पे बैठे हैं दिगेश भैया, हिमेश भैया और दीपक भैया। तो यहाँ पे पूजा चल रही है फिलहाल। हेलो बेबी, ठीक हो? ठीक हो? अच्छा। ये भैया, ये बहनी, बहनी बहनी कौन है? अभी बन रहा अमचूर कढ़ाई में, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, कढ़ाई नहीं बोलते, भजियावा बोलते हैं इसको, कुमाऊनी में। इसमें बन रहा है, तो अभी चाचा जी ने क्या किया, सबसे पहले जीरा धनिया डाला तेल पे, उसके बाद मिर्च डाली है रेड वाली, ये पूरी अभी इसको पूरा क्या कर रहे हो, मिर्च को जला रहे हो पूरा? हाँ, पूरी मिर्च को जला रहे जब तक पूरी काली ना हो जाए। इसके साथ यहाँ पे गुड़ पूरा काट के रखा है, इसको डालेंगे मीठे के लिए, और नारियल है, बाकी ये आम के पीस हैं जो पूरे भिगा के रखे हैं, इनको डालेंगे। अब मिर्च पूरी नाक पे आ रही है मेरे, यहाँ पूरे कैमरे पे भी आ रहा है। तो अब इस पर डालेंगे नारियल कटा हुआ, पूरा महीन तरीके से काट रखा है, और ये है गुड़ मीठे के लिए, बाकी ये है आम के पीस। तो इन सबसे मिल के बनता है अमचूर। और इस पर क्या क्या डलेगा? इतना ही आइटम डलेगा, नमक मिर्च डलेगा फिर। अच्छा, नमक मिर्च डलेगा। अब डालने लगे आम, ये कोई आम के पीस है पूरे ये। तो अभी अमचूर बन के तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इसको आपको पता कब तक रखते हैं? लगभग आधे घंटे तक, जब तक अच्छे से ना पक जाए। इस पर अभी मसाला डाला, नमक और हल्दी, अरे मिर्च नहीं डल रही है, मिर्च तो ऑलरेडी डाल रखी है, जो पूरी काली तरीके से भून दी है। अब डाल लें इसे मीठे के लिए गुड़, बाकी सब कुछ जलेगा, फिर डाल लें पानी, तो पूरा अभी बनकर तैयार हो जाएगा अमचूर। ये स्पेशल डिश होती है जो कि यहीं पे बनती है, सब जगह ये अमचूर बनाया नहीं जाता, पर हमारे यहाँ इसको बनाते हैं, और हल्ला काफ़ी हो रहा है। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मीठे के लिए गुड़ भी डल गया, अब पानी डलेगा बस, फिर ये आराम से पकता है अपने आप। और इसमें बन रही है पानी वाली सब्जी, और ये शिमला मिर्च कट की हुई है, इसको बाद में डालेंगे। इस पर भी मटर, टमाटर और आलू और लौकी डाल रखी है, तो लास्ट में रहेगी शिमला मिर्च। यहाँ पर दे रहे हैं चिन्ना, चिन्ने के लिए इतना बड़ा गड्ढा दे रखा है, तो ये वाला है लकड़ी यहाँ से लेकर वहाँ तक, और वहाँ पर ताऊ जी बांध रहे हैं चिन्ना, तो इसको घर के यहाँ पर रखेंगे। तो पता है चिन्ने की हाइट कितनी होनी चाहिए? जितनी घर की हाइट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। पंडित जी बधाई हो फिर से आपको, और छोटे पंडित जी आपको बधाई हो। दिगेश भाई काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। जुनियो संस्कार हो गया आपका कंप्लीट। धन्यवाद। पता है हीरो लग रहे हो। सबसे पहले ताऊ जी डाल रहे हैं इस पर फल, और क्या डाला? एक पैसा यानी कि सिक्का, और टीका, टीका डाल रहे हैं, और फूल, और जला रहे हैं बत्ती यहाँ पे। बढ़िया दिगेश भैया, पंडित जी बन गए मतलब आप? हाँ जी, बढ़िया है। अच्छा, तभी आप धूप बत्ती जला रहे हो, बढ़िया है, आपको लाइसेंस मिल गया। पूरी बनाने के लिए कढ़ाई रख दी है आग पे, और यहाँ पे ताऊ जी हैं, सामने बूबू हैं, तो बूबू और ताऊ जी यहाँ पे पकाएंगे। और अभी तक हम लोगों ने आटा लगाया, जो बूबू ने भी पाइप पकड़ा है उनने और मैंने मिल के, और अब हम बनाएंगे लोइयाँ यहाँ पे। चाचा जी और मशीन चलाओगे? हाँ मशीन चलाऊंगा बेटा मैं। बढ़िया है, तो मैं लोई बना रहा हूँ, ठीक है? लोई बना, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना पहले। हाँ, अरे तुम तो पूरे एक्सपीरियंस बंदे हो, पूरा अनुभव, बहुत ही ताकत लगा दी, इतनी ताकत नहीं लगती है। नहीं यार, चलो यहाँ से पता पूरा धुआं आ रहा है, और सारे सेम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बूबू नमस्कार, ठीक चा बू? तो यहाँ पे बैठते हैं और अब बनाते हैं लोइयाँ, क्योंकि आज हमारे पास कैमरा मैन नहीं है, और यहाँ पे बूबू बना रहे हैं दाल चावल। बन गया बूबू दाल चावल? बन गया। Thank you.
चाचा ही चला रहे हैं मशीन यहाँ पे, और मैं भी लोई बना रहा था वहाँ पे, और बूबू बना रहे हैं लोई। तो अभी मेरे हाथ पूरे देखो पूरे तेली तेल रखा है, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे ताऊ जी और बूबू मिलके पका रहे हैं, यहाँ पे इतनी सारी पूरियाँ बन गई हैं और इतनी लोई मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी थी, तब मेरे को टाइम मिल गया है ना चाचा जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सभी बूबू लोग बैठे पड़े, तो बहुत सारी आवाज़ आपको आ रही होंगी, तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। चाचा जी कैसा लग रहा है? अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा, मजा आ रहा है। ऐसा होता रहे और हम ऐसे कार्य में जुटते रहे। हाँ बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। चलिए फिर हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? अपना पूरी बनाने वाला काम कंप्लीट हो गया, तो मैं सारी लोई बना के आ गया और हम लोगों ने सारी पूरियाँ बना दी। पीछे बच्चे इतना ज़्यादा चिल्ला रहे ना, बहुत ज़्यादा। और अभी पूरे खाने की पूरी तैयारी चल गई है, और सबसे पहले धोती पहनने वाले खा रहे हैं, यानी कि जो सबसे सयाने होते हैं तो वो लोग धोती पहन के खाते हैं। तो यहाँ पे खा रहे हैं जस्ट अपने पीछे, यहाँ पे खा रहे हैं बुबू लोग। अभी हम लोग भी खाना खाएंगे, तो खाना सब लोग यहाँ पे खाएंगे शायद, अभी देखते हैं। फिलहाल तो हम लोग पूरियाँ बना रहे थे, वो सारी बन गई हैं, बस अभी अब सभी को खाना खिलाते हैं, उसके लास्ट में हम खाएंगे। और यहाँ पे सारे बच्चे पार्टी, हेलो बच्चे पार्टी, बुबू बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक छा बुबू? बढ़िया नाती। अच्छा बढ़िया, कर सबका जनेऊ करके ले आए हैं, तो बुबू का फिर से बधाई हो। दीपांशु बधाई हो, मुझे जनेऊ संस्कार हो गया तुम्हारा। हेलो बेबी, यहाँ पे सारे बच्चे पार्टी। हेलो बच्चे पार्टी, योगी गुड मॉर्निंग हो रही है अभी, वेरी गुड। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हो हमारे भाई साहब अभी यूट्यूब के कमेंट चेक करने में लगे हैं। अमा ठीक है रहे तू? ठीक है। क्या करना? अच्छा हम यहाँ बैठे देखना आशान खान खाना ना अमा। हाँ हो, तो अमा यहाँ पे बैठी हुई है और सारे बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं और हम सबको खाना बांट रहे थे, तो सबको खाना खिलाते हैं उसके बाद जाके हम खाएंगे। बुंदा क्या चाहिए? खीरा। अभी चल रहा अपना खाना और पूरे खाने की थाली लग गई है, सबको हमने खाना खिला दिया और लास्ट में हम खा रहे हैं। हमारे साथ हैं राहुल भाई और होशियार भैया बचे हुए, और सामने से बैनी लोग हैं, और यहाँ पे भी खाना चल रहा है। और खाने पे क्या है? दाल चावल सलाद सब्जी और अमचूर, ये अमचूर है। बाकी अब क्या करते हैं, खाना कंप्लीट करते हैं। बुबू लोग हमको खाना खिला रहे हैं। आवा सबसे ज़्यादा शर्मा दी है ना, आवा शर्मा जी खिला दे तू पहले, मुझे बता दो शर्मा जी खिला पहले मुझे बता। ना घिन ना रहा, बहुत स्वाद दिखने, सच में बहुत स्वाद दिखने। तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए और सारे बर्तन भी हम लोग लेके आ गए, जितने बर्तन हम सुबह लेके गए थे। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना खाना कंप्लीट किया। खाना कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर तो आराम से बैठे थे, उसके बाद सारे बर्तन लेके आ गए। तो अभी सभी भैया लोग बर्तन छोड़ने आए थे, तो वो सब तो चले गए और मैं अभी घर पे अकेले हूँ। तो यहाँ पे वो सारे बर्तन हैं जिनको हम लेके आए थे और जिनको हम सुबह लेके गए थे, तो यहाँ पे हैं। पता है, इतना जुगाड़ से लेके आए, ये डंडे अभी भी हैं तौले में, तो एक ने आगे से पकड़ा था एक ने पीछे से, तो इस तरीके से हम लोग लेके आए थे। इसके अंदर थालियाँ हैं, गिलास हैं, और एक कढ़ाई होगी, ये झांझर वगैरह वगैरह, और उस पर सारा सामान अंदर रखा हुआ है। तो जितना सामान हम लेके गए थे सारा सामान हम लेके वापस आ गए हैं। तो फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच गया हूँ। अब क्या करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को ऑल कर लेना, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।